दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो और टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों तीसरे दिन के खेल में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिर कैसे आते ही अश्विन ने तीसरे दिन के खेल में मैच को पूरी तरह से पलट दिया था, कैसे भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल कर पाती थी, इस मैच की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला काफी रोमांचक मोड पर आ पहुंचा था, जहां दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 75 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। तीसरे दिन की खेल की आज शुरुआत होती है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ख्वाजा और साथ ही में ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, जहां दोस्तों आते ही अश्विन ने अपने पहले ही ओवर में कमाल की शुरुआत भारतीय टीम को दिलाई। जी हां दोस्तों, अश्विन ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से उस्मान ख्वाजा को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया और उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब टीम इंडिया को इतनी बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अगले ही ओवर में मानस लाबुछेन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरी तरफ से दोस्तों ट्रेविस हेड भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश की थी, जहां दोस्तों 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम एक विकेट के नुकसान पर मात्र 13 रन बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा कायम कर लिया था, लेकिन 11वें ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 13 रन बटोर लिए। अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड और मानस लाबुछेन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक दो करारे चौके देखने को मिले। ऑस्ट्रेलियाई टीम का माइंडसेट बदल चुका था, अब रन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अब 13वें ओवर में मानस लाबुछेन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में मानस लाबुछेन और ट्रेविस हेड दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक बार फिर से दो खरारे चौके देखने को मिले। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच यानी कि ट्रेविस हेड और मानस लाबुछेन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लगभग टीम इंडिया हार के कगार पर थी। 16वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 18वें ओवर में मानस लाबुछेन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं 19वें ओवर में ट्रेविस हेड और मानस लाबुछेन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक के बाद एक दो शानदार चौके बटोरे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच को 9 विकेट से जीत लिया। भले ही दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत हासिल कर पाई हो, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। ऐसे में चौथा टेस्ट मुकाबला अगर भारतीय टीम जीतती है तो भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया चौथा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।